अगर आज की मीटिंग आपने समझी, आई चैलेंज यू, योर होल लाइफ विल चेंज, आपका जीवन बदल जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह मत्ती 5:6-7 एक पहाड़ पे प्रचार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी आज्ञाएं वहां पर बताई। जैसे वो नीचे उतरे, बाइबल कहती है एक कोढ़ी यीशु के पास आया और वो कोढ़ से भरा हुआ था, और वो यीशु को कहता है, प्रभु अगर तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु कहता है, हां मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु में आए थे तो आप बिल्कुल इस कोढ़ी की तरह आए थे, पूरी तरह से कोढ़ से भरे हुए। अभी आप कहोगे, ब्रदर मैं कोढ़ी नहीं था। 100% थे तुम। आप जानते हो कोढ़ क्या होता है? जो आदमी, आप कभी कोढ़ी से मिले नहीं है इसलिए आपको कोढ़ की पहचान नहीं है। मैं अपने जिंदगी में न्यूमरस कोढ़ियों से मिला हूं हॉस्पिटल्स में। और जानते हो, अगर आप किसी कोढ़ी के बाजू में बैठ जाओ ना, और जहां पर उसको कोढ़ है ना, वहां पर आप चिमटी मारो, जोर से उसको इंजेक्शन मारो, वो नॉर्मली आपको देखेगा, उसको सेंसेस नहीं होते वहां पर। हम प्रभु में जब ही नहीं थे, हम ऐसे ही थे, दिन रात पाप करते थे, लेकिन हमारे अंदर सेंसेस नहीं थे कि हम गलत कर रहे हैं। हम प्रभु के पास सब कोढ़ियों की तरह आए थे। लेकिन आप जानते हो, जब हम प्रभु में आते हैं तो कैसे ये कोढ़ हमारे अंदर से निकलता है। मैंने आज ये वचन क्यों पढ़वाया आपसे, प्रकाशित वाक्य 3:20, मैं आपको बताना चाहता हूं कितने लोग धोखे में जी रहे हैं आज। डू यू नो ये वर्ड हम किसको बताते हैं? मैंने पहले के 5 साल यह वचन अविश्वासियों को बताया था। जब हमारे कलीसियाओं में लोग नए नए आते हैं, हम उनको बताते हैं यह वचन, ब्रदर वचन में लिखा है प्रभु यीशु आपके लिए द्वार पे खटखटा रहा है, आओ सुसमाचार को एक्सेप्ट करो, वो अंदर आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे कहते हैं बाइबल को केयरलेसली पढ़ना। आराम से पढ़ो प्रकाशित वाक्य। एक कलीसिया जो प्रभु से बहुत पीछे हो गई थी, प्रभु ने यह वचन उन्हें लिखा था कि मैं दरवाजे पे खटखटा रहा हूं। और जानते हो, हम कितनी बार इस वचन को पढ़ चुके हैं लेकिन इस वचन का अर्थ नहीं समझते। यहां पर लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा और दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। आप में से कितने लोगों ने यह वचन समझा है? आप जानते हो, एक परमेश्वर के दास थे, उन्होंने बाइबल को अध्यायों में और नंबर्स में बांटा, लेकिन बाइबल कभी भी अध्यायों में और नंबर्स में नहीं लिखी गई थी, बाइबल डायरेक्ट लिखी गई थी। इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं ना, जब हम एक अध्याय पूरा करते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार ये नया अध्याय है, नए से शुरू करेंगे। लेकिन आप ये बात समझ नहीं पाते हो कि पहला अध्याय उसके पहले अध्याय से जुड़ा हुआ था। आप जानते हो ये आवास क्या है? अगर आपको समझना है ना, आप सब यहां देखो, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन ना टूटे। ये अपने 20 में पढ़ा, अब 19 सुनिए। मैं जिनसे प्रेम रखता हूं उन सब की ताड़ना करता हूं। क्या है वो शब्द? जब आपको परमेश्वर डांटे, वही समय होता है आपको खटखटा रहा है। Always remember, जब आप कलीसिया में आते हैं और आपको लगता है ब्रदर ये तो मेरी मिस्टेक थी, वो ही समय जब आपकी ताड़ना करता है, वो है नॉकिंग। और उसके बाद लिखा है, जो मेरे लिए दरवाजे खोलेंगे। दरवाजे खोलने का मतलब क्या है? ऑनेस्टी, हां मैं ऐसा हूं, मैं उनके भीतर आऊंगा उन्हें बदलने के लिए। लेकिन बहुत बार आप जानते हो, आप में से कितने लोगों ने पुराने नियम में पढ़ा है अनॉइंट कैसे किया जाता है आदमी को? टेल मी, एक आदमी का अभिषेक कैसे होता है? सागर यू कम हियर, एक बॉटल दीजिए, उसका ऊपर का ढक्कन दीजिए। हां सिर्फ ऊपर का ढक्कन दीजिए सिस्टर। याजकों के पास इतनी कुप्पी होती थी, उस कुप्पी को लेके वो उसके आत्मे के ऊपर डाल के उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपते थे और कहते थे, अब ये यहोवा का अभिषिक्त है। कितने लोगों ने 141:5 वचन भजन सहायता का पढ़ा है, धर्मी की मार भी कृपा है। सिट, कितने लोग ये बात कहते हैं,
जब कोई मुझे डांटता है, ये डांट मुझे एक दिन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड बनाएगी। टेल मी, बोलो जय मसीह की। जानते हो कितने लोगों ने 141 साम 5 घर पे जाके पढ़ना, लिखा है धर्मी की मार कृपा है। जब धर्मी आपको डांटे, आपको चिल्लाए, आपको सुनाए, करेक्ट करे, बाइबल कहती है ये एक अनॉइंटिंग है उसकी। लेकिन आज हम एक ऐसी जनरेशन से गिरे हुए हैं, मैं आपको बताऊं आज आपके पास वो कोड है कि नहीं है। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, घर पे रहते हो, ऑफिस में रहते हो, और आप एक सिंगल रूड वर्ड आप किसी से बात करते हो, सिंगल रूड वर्ड, और आपको वो टाइम पे महसूस नहीं हो रहा है कि यार मैंने यार से ऐसा क्यों बात किया, गलत था, ब्रदर यू आर स्टिल लेपर, आप अब तक कोड़ी हैं। वन रूड वर्ड, अगर आपको एक रूड वर्ड आप किसी से बात करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा हमारा घर के अंदर टॉक बहुत रूड होता है। हम लोग कभी कभी, बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ से ऐसे चलते हैं जैसे शादी जो है ना उसको सिर्फ किचन का काम करने के लिए की थी उन्होंने, और बहुत सारी बहनें भी अपने पतियों की जो कंप्लेंट्स हैं वो अपने पेट में नहीं रखती हैं, बाजारों में जाके बताती हैं। आपको रियलाइज होता है कभी क्या आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं? अगर आपको नहीं होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी आप कोड़ी हैं। कोड से निकलने का एक ही रास्ता है कि जब परमेश्वर आपको डांटे रिस्पॉन्ड करो, लॉर्ड यस मैं ऐसा हूं, ईमानदार बन जाओ। बाइबल कहती है मैं जिनसे प्रेम करता हूं मैं उन्हें डांटता हूं। जब आपको परमेश्वर डांटे इसका मतलब है नॉक नॉक, और आप जब बोलते हो यस लॉर्ड आई एम रॉन्ग, आप ईमानदार बनते हो और परमेश्वर आपके अंदर आकर वो आपको बदलता है। बोलो यीशु मसीह की जय। याद रखना, मैं एक और आपको वचन बताना चाहता हूं, उसके बाद हम अपने प्रॉपर वर्ड में आएंगे। लिसन वेरी केयरफुली। आप जानते हैं यीशु मसीह के आने से पहले कौन भेजा गया था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। जब वो खड़ा हुआ, लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, बाइबल कहती है उसने फरीसियों से कहा मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर कोई फल नहीं देख रहा हूं। उसके बाद वो उन्हें कहता है अब कुल्हाड़ा लो, जड़ पर रखो, उसे काटो। आपको पता है पुराने नियम में फ्रूट देखा जाता था, नए नियम में फ्रूट नहीं, नए नियम में रूट। पुराने नियम में मर्डर, ये तो फ्रूट है, मार दो उसको। पुराने नियम में व्यभिचार, ये तो फ्रूट है, मार दो। लेकिन नए नियम में यूहन्ना जब आता है वो कहता है तुमने सुना था ना कि व्यभिचार न करना है, लेकिन रूट कहां पर है? गंदे विचारों में। उस जड़ को काटो। मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में इसीलिए नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो फल काट रहे हैं, रूट नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितनी बहनों ने और भाइयों ने हत्या करना बंद कर दिया है? लिफ्ट योर हैंड, मैं पहला हूं यहां पर। कितने लोगों ने चाकू छुरी लेके लोगों को मारना बंद किया है? हाथ उठाइए। हां बिल्कुल, सब सबने बंद किया है। आप एक अच्छे यहूदी हैं, यू आर अ गुड जू। लेकिन आप में से कितने लोगों ने अपने अंदर गुस्सा पालना छोड़ दिया है? देन यू आर द डिसिपल ऑफ द लॉर्ड, तब आप प्रभु के सेवक हैं। मूसा कहता है हत्या मत करो, यीशु कहता है गुस्सा मत करो। इसका मतलब जो हत्या नहीं करते हैं वो मूसा को फॉलो करते हैं, लेकिन जो अपने अंदर गुस्सा नहीं करते हैं वो यीशु को मान रहे हैं। अब आप बताओ, आप मूसा के हो कि यीशु मसीह के हो? टेल मी। मूसा कहता है स्त्री को छुओ मत, यीशु मसीह कहता है उसको अपने मन में मत छुओ। बताओ यीशु के पीछे हो कि मूसा के पीछे हो? मूसा कहता है शपथ को पूरा करो, यीशु बोलता है हां की हां, ना की ना, दैट्स ऑल। मुझे बताइए, मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं, 90% क्रिश्चियंस आर फॉलोइंग मोसेस, 90% लोग मूसा का पीछा करते हैं, 10% यीशु मसीह का पीछा करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, झड़ काटनी है मुझे, अंदर से एक सफा होना है मुझे, ये यार ये मैं बहुत हो गया, बस इसको नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन मुझको अंदर का वो प्योरिटी चाहिए। आप जानते हो, अगर आप ये बात चाहते हो ना कि आपके अंदर वो रूट कट जाए, वो जड़ें कटें, एक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं,
और मैं आपको एक सलाह भी देता हूं, प्रभु ये नहीं कहता है पाप छोड़ के आओ, प्रभु ये कहता है एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इंटेंशन तो होने चाहिए। बोलो इंटेंशन, आपके अंदर इंटेंशन है कि हां मुझे बाहर आना है। अगर इंटेंशन नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, पर एटलीस्ट आपके अंदर इंटेंशन है कि मेरे अंदर पैसों का प्रेम बाहर आए, मेरे अंदर जो लस्ट है बहुत बात करने की, दूसरों के लिए निंदा करने की, बहुत खाना खाने की, बहुत सोने की, क्या वो आप चाहते हो कि वो निकले? एटलीस्ट आपके अंदर डिजायर तो होनी चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो आप मुझे बताओ कैसे होगा। मैंने ये वचन आपसे इसलिए पढ़वाया ताकि आप समझो हमारे अंदर एक कोड है, वो तब निकलेगा जब आप परमेश्वर की आवाज को रिस्पॉन्ड करोगे कि हां प्रभु मैं ऐसा हूं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने 320 से पहले कभी ये 319 भी पढ़ा था? कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। मैं लिख के दे सकता हूं कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं जब वो डांटता है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे कलीसिया के अंदर जो लोग आते हैं मैं सिर्फ उन्हें ही डांटता हूं। अगर यहां से कोई चला गया, अगर वो मुझे कभी भी रास्ते में मिला, मैं उसे एक ही सवाल बोलता हूं, ब्रदर होप यू आर फाइन, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आपके बच्चे कुछ करते हैं आप क्या उनसे ज्यादा किसी और को ताड़ना करने की कोशिश करते हो? सोचो, अगर आपको परमेश्वर ताड़ना दे रहा है तो मतलब इसका साफ चिन्ह है। एक आदमी ने मुझे कहा कि ब्रदर आपको प्रभु में कितना साल हुआ है? मैंने बोला अभी 9 साल तो हो रहे हैं मुझे। तो बोला प्रभु अभी भी आपको डांटता है? मैंने बोला यीशु ने मुझसे वादा किया है वो मुझसे प्रेम करना कभी बंद नहीं करेगा। He never stop loving me. मैं जब तक जिंदा हूं, ब्रदर कब तक डांटेगा? Until I becoming like Jesus Christ, जब तक हम उसकी तरह न बन जाते तब तक वो हमें डांटेगा। कितने लोग प्रभु के प्रेम से, जो परमेश्वर प्रेम करता है उस चीज से प्रेम करते हैं, बताइए। टेल मी। तो आज के बाद अगर आपको इस आने वाले दिनों में जब आप बाइबल को रीड करते हो, जब आप सभा में आते हो, मीटिंग में आते हो और आपको लगता है कि हां यार मैं गलत हूं, आज मुझे मालूम पड़ा यही परमेश्वर का नॉक नॉक था, और उसको रिजेक्ट मत करो क्योंकि वही चीज है जो तुम्हारे अंदर से लेप्रसी को निकालेगी और तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। बोलिए आमीन। कहिए यीशु, अपने हाथों को उठाए, कहिए यीशु तू महान है, मुझसे प्रेम करना बंद मत कर, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू सच्चा प्रेम करता है, तू चाहता है मैं संसार के साथ दोषी न ठहरूं, प्रभु मेरी ताड़ना कर। बाइबल कहती है धर्मी की झापड़ भी कृपा है, प्रभु मुझे ठीक कर, मुझे आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमेन। तो भाई आज मैंने आपको अनॉइंटिंग का दूसरा वे बताया, पहला था कुप्पी में और दूसरा धर्मी की मार भी कृपा है। जब आपको कोई डांटे, कितने लोग डांट से प्रेम करते हैं, सच बताइए। आप जानते हो मैं अपने कलीसिया में भाइयों को और बहनों को कैसे पहचानता हूं? बता दूं भरी, आप यहां से भी कोई चाल चलना शुरू ना कर दो, डर लगता है कभी कभी। लिसन, जब मैं किसको डांटता हूं और मैं उसकी शक्ल को देखता हूं, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है उसी समय बाहर आता है, ये देखिए ऐसा है। लेकिन जब कोई इसको मैं डांटता हूं वो मेरे और करीब आता है, ब्रदर हाँ चलेगा ना, ब्रदर ठीक है ना यार, परमेश्वर से संबंध है नहीं मेरा, आप तो डांटो कम से कम मुझे, मैं समझ जाता हूं ये सचमुच आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताऊं पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है जो डांट से इतना प्रेम करता था, मैं आपको बताता हूं। सब यहां देखिए, एक दिन यीशु मसीह पहाड़ से उतरे, पतरस को कहते हैं मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा और फिर जी उठूंगा। पतरस उनको साइट में लेके जाके बोलता है नहीं प्रभु आपके साथ ऐसा कभी ना हो। यीशु मसीह उसको कहता है शैतान मुझसे दूर हो,
आपने कभी हार्मनी गॉस्पल नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। किंग जेम्स वर्जन के अंदर एक बाइबल आती है जिसको कहते हैं हार्मनी गॉस्पल, जिसके अंदर मत्ती, मरकुस, लूका, यहुन्ना लाइन से क्या क्या हुआ था उसमें लिखा रहता है। मैंने हार्मनी गॉस्पल रीड किया है और जानते हो इस हार्मनी सुसमाचार के अंदर ऐसा बताया गया था कि ये जो बातें हुई पतरस के साथ, उसके नेक्स्ट चैप्टर में यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी, जो कोई मेरा मांस न खाए, लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं। और सब लोग यीशु को छोड़ के चले गए, 11 चेले रह गए और प्रभु उनको कहता है तुमको जाना है, तुम भी जाओ। तब पतरस कहता है हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ आपके पास हैं। कौन सी अनंत जीवन की बातें भाई, 3 घंटा पहले तेरे को उसने शैतान कहा था। हां ये मुझे डांटता है क्योंकि ये मुझसे प्रेम करता है। दैट इज लव ब्रदर। मैं आपको सच कहता हूं, जब आपको कोई डांटता है ना, वो आपके सर पे तेल मल रहा है। आप पढ़ना 141:5, वह तेल मलते हैं। मैं चाहता हूं आइए सब वो वचन निकालिए, साम 141:5। मैं जानता हूं आप में से किसी ने भी ये वचन नहीं रीड किया होगा। साम 141:5, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, वह मुझे ताड़ना दे तो मेरे सर पर तेल ठहरेगा। कभी आपने ये बात सुनी थी, धर्मी अगर मुझे कुछ करे तो ये मेरे लिए कृपा है, और वो मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे लिए सर पर तेल है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कौन, कितने लोग ऐसे डॉक्टर को पसंद करेंगे जो आपको कैंसर के बदले आपको यह बताए कि सिर्फ आपको बुखार है? कोई ऐसा है यहां पर? आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और आपके पास कैंसर है, लेकिन वो हमेशा आपको यह दिखाए कि एक्चुअली आपके पास फीवर है। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही हमने आज ये बात शेयर की थी। आपको पता है हम सच्चाई क्यों बताते हैं यहां पर, रीजन क्या है? क्योंकि हम में से यहां पर कोई भी, मैं यहां पर किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता हूं। अगर मैं आपसे पैसे लेता था ना, पैसे, मैं आपको कभी सच्चाई नहीं बता पाता। समझिए यहां पर जय अंकल बैठे, 5 लाख रुपया वो कमाते और अंकल टाइट देते दशवांश। बताइए 5 लाख कमाने वाला कितना देगा? 50,000। और समझिए जय अंकल कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं भी, मैं जय अंकल को नहीं समझा पाऊंगा। अगर चले गए तो 50,000 रुपया कम आ जाएगा ना। आप जानते हो सच्चाई कौन नहीं बताते हैं? जो पैसा लेते हैं। लेकिन हम किसी से कुछ लेते ही नहीं, हम क्यों डरे? हम यहां पर ऑफरिंग बॉक्स रखते हैं, जिसको जो चाहिए डालो, नहीं डालो आपकी मर्जी, खुदा इस कलीसा को चलाता आया है और चलाता आएगा, ये हमारा विश्वास है। बोलो जय मसीह की। कोई तो हो इस नगर में जो परमेश्वर के लिए रुके, पैसों के लिए नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं दशमांश के खिलाफ नहीं हूं, आपको चाहिए आप डाल सकते हो, पर मैं एक बात जानता हूं कि कलीसिया पैसों से नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी से चलती है, स्पिरिट फिल्ड लोगों से चलती है, याद रखना। बोलो जय मसीह की। कितने लोगों ने आज मेरी बातें समझी? अगर आज के बाद यीशु मसीह नॉक नॉक करेगा तो आप क्या करोगे? दरवाजा खोलेंगे कि आप बोलेंगे लॉर्ड आई एम परफेक्ट मोर देन यू, मैं आपसे ज्यादा सिद्ध हूं, चले जाइए। सच बताइए भाइयों से पूछता हूं, जब आप घर के अंदर अपने मम्मी पापा से रूड वर्ड्स बोलते हो, आपको रियलाइज होता है कभी कभी कि यार कितना गलत चलता हूं मैं? कुछ बेटियां बैठी हैं यहां पर, मैं आपसे भी एक बात पूछता हूं, कभी कभी घर के अंदर आप अपना एंगर निकाल देती हो, क्या आपको रियलाइज होता है कि जिस मां बाप ने इतना बड़ा किया मैं उससे कैसे बात कर रहा हूं? ये सही है? सोचो, जाओ उन लोगों के पास जिन्होंने अपने मां बाप खो दिए हैं, उनसे पूछो, वो रो पड़ेंगे, मां की डांट सुनने के लिए तरसते हैं वो आज। सच कहता हूं यार, मां होती यार डांटती, मजा आता था सुनने में, लेकिन आज मां भी नहीं है डांटने के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप 60 साल के भी हो और आपके मम्मी डैडी जिंदा हैं, तो भी आपको उनको ऑनर करना है।
तभी भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है. और रिस्पेक्ट खाली उनको मॉर्निंग में उठ के जय मसीह बोलना, फ्राइडे के सिर्फ हफ्ते में एक दिन उनको नाश्ता देना नहीं है, एवरी डे उनकी मानना है. उस दिन की बात बता रहा हूं, मुझे यहां पर थोड़ा बॉयल निकला था, मुझे बहुत ज्यादा दर्द था, मेरी मम्मी जानती है. मैं घर आया, लिटरली मैं झुक नहीं पा रहा था, मुझे इतना पेन था. और मेरी मम्मी ने मेरे को बोला, मेरे डैडी को नीचे सोने की आदत है, वो आज भी जमीन पे सोते हैं, तो मम्मी ने बोला पापा का बिछोना डाल. तो मैं बोलने ही वाला था कि मैं नहीं डाल पाऊंगा, मैं सोच रहा था यार पापा को भी कभी कभी पेन होता होगा बेचारे को, मेरे को घुमाने लेके गया था वो टाइम पे भी, ना नहीं बोला था. मैं सीधा गया, इतना मोटा गद्दा है वो, मैंने उसको निकाला, मैंने डाल दिया और मैंने सोचा, और मुझे अंदर में ये आवाज आई, अपने दर्द को भूल के अपने मां बाप को खुशी देना, दैट इज ऑनर, दैट इज ऑनर. मुझे बहुत दर्द था, मैं झुक नहीं पा रहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा उसको मत बोलना, तू निकाल तू डाल. मैंने निकाला, मैंने डाल दिया और मुझे अंदर में एक सेटिस्फिकेशन मिला कि हाँ यार, जब हम ठीक रहते हैं तब तो हम बहुत सेवा करते हैं, पर जब हम खुद तकलीफ में तब हम कैसे करते हैं उनके साथ. दैट इज अ रिजल्ट. प्लीज बी ऑनर. आपका परिवार एक गिफ्ट है आपको, उनके साथ मिसबिहेव कभी मत की.